यहाँ पे एक प्लॉट कटवा दो, एक प्लॉट और दे उधर के पास, वहाँ की हो जाएगी, ये सेक्टर अलग हो गया, वो सेक्टर अलग हो गया। आज में इतने बंदे इकट्ठे हो गए, अभी पुराने सेक्टर के आएंगे, यहाँ पे हजारों बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। अभी यहाँ पे बम्पर टूटा है, मेरे खुद की गाड़ी का बम्पर टूटा है। ये SDO अपनी पावर का नजायज फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल नजायज फायदा। कोई स्कूल बस पलट गई ना तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? परसों ऑटो का टायर ऑटो टेढ़ा हो गया, बिल्कुल मेरी गाड़ी सामने आ रही थी, ऑटो ने साइड दबाई और ऑटो पलटता पलटा स्कूल के बच्चों से लोडेड ऑटो था। किसकी गलती है आप बताइए? इससे अच्छा तो ये रोडी कवर कर ले, यहाँ पे भी घर बना ले, हम कुछ नहीं कहेंगे इसको, स्यापा ही खत्म। आपको क्या दिक्कत है? मैं करूंगा, मेरी जमीन है। ऐसे करवा दो, आने जाने का रास्ता बंद करवा दो, पूरा का पूरा दीवारी खींच देगा अगला। फिलहाल सेक्टर 14 में मौजूद हूँ और सेक्टर 14 की अगर मैं बात करूँ तो आप मेरे पीछे देखें काफी लोग आपको यहाँ पर नजर आने वाले, सभी लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। आखिर क्या पूरा मामला है, जहां तक अब तक सूचना मिल पाई है कोई कब्जे का मामला? मैं आपको एक बार पीछे तस्वीरें भी यहाँ से दिखाना चाहूंगा। जो पीछे आप देखेंगे तो रोड आपको एक तरफ नजर आएगा, लेकिन वहीं पर आधे रोड के अंदर आपको कुछ एक अलग तस्वीर यहाँ पर दिखने वाली है। आप खुद समझ गए होंगे इस प्रकार का जो यहाँ पर कब्जे का मामला निकलकर सामने आ रहा है। बाकी इनसे ही बात कर लेते क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर कोई बता पाएगा। सर क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि देखने में तो अलग ही दिख रहा है कि नया सब कुछ बनाया गया है यहाँ पर। सर मामला ये है, ये ना वहां से लेके यहाँ तक पूरा 12 मीटर का रोड है जी। ये कॉर्नर के चक्कर में कहते हैं ये रोड मेरा है और मैं यहाँ गार्डनिंग करूंगा, जबकि एज ए हुड्डा रूल आज की डेट में आप कोई गार्डनिंग नहीं कर सकते, बनी हुई तोड़ रहे हैं। मगर ये इन्होंने पूरा रोड बंद कर दिया, यहाँ से बच्चों के स्कूल के ऑटो भी निकलते हैं, बसेस भी निकलती है, हमारी गाड़ियां भिड़ रही हैं, ऑटो गिर जाएंगे, जो चोट लगेगी उसका जिम्मेवार कौन होएगा? ये बिल्कुल इलीगल है ये। और जो ये रेन वाटर सीवर बनाया गया है ये हुड्डा ने नहीं बनाया, हुड्डा ने वो पीछे बना रखा है, वो देखिए आप वहाँ पीछे बना रखा है, इन्होंने ये अपना पर्सनल बनाया है। ये SDO है PWD में और उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं ये। और ये जो ये ब्लॉक्स हैं ये भी सरकारी हैं सर, बिल्कुल। आप एक ब्लॉक्स ले आओ आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, ये देखो कितने सारे हैं। ये हुड्डा ने नहीं बनाया, इन्होंने अपनी मर्जी से अपना पर्सनल रेन वाटर सीवर रोड खोद के बना दिया। अगर हम वहां से लेके यहाँ तक रोड खोदते हैं कम से कम हमको उसकी 8 से 10 हज़ार फीस देनी पड़ती है, इन्होंने अपनी मर्जी से खोद दिया, कोई वो नहीं है जी सुनने वाला हमारा जी। अभी थोड़े दिन पहले भी झगड़ा हुआ था इनसे, राजीनामा हुआ, बकायदा पुलिस भी आई तो इन्होंने भी उसमें राजीनामे में दिया भी मैं यहाँ से सिर्फ 2 या 3 फुट तक रोड लूंगा, मगर धीरे धीरे करते करते इन्होंने पूरा रोड कवर कर दिया। और अगर इनसे बात करो तो ये लड़ाई करने पे उतारू हैं, कभी भी हाथापाई कर सकते हैं, हमको तो लगता है इनसे डर, इसलिए हमने आपकी हेल्प ली है जी। हाँ अब आप देखो कितनी भीड़ है, सब परेशान है, पूरा सेक्टर परेशान है इनसे। इस साइड हाँ इनसे बात करो, मिनट में लड़ाई भी है ना। इस साइड रोड ऐसा है कि कोई भी ऑटो कोई भी गाड़ी है ना पत्थर के लग के ही क्रॉस हो सकती है, थोड़ी सी रहेगी रोड बस इतनी। अगर कोई स्कूल बस पलट गई ना तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? परसों ऑटो का टायर ऑटो टेढ़ा हो गया, बिल्कुल मेरी गाड़ी सामने आ रही थी, ऑटो ने साइड दबाई और ऑटो पलटता पलटा स्कूल के बच्चों से लोडेड ऑटो था। सर किसकी गलती है आप बताइए? और बिल्कुल बात करते ही लड़ने को आते हैं ये, पूरा ब्लॉक परेशान है, कोई एक बंदे की समस्या नहीं है, पूरे ब्लॉक की समस्या है। तो यहाँ पर जो आपके MC है उनसे भी आपने मिलने का अगर प्रयास किया? MC टीनू जैन जी पिछले एक महीने पहले जब समझौता हुआ यहीं पर आए थे, उनके सामने इन्होंने लिखित में दिया था भाई मैं कब्जा नहीं करूंगा, लेकिन एक महीने के अंदर इन्होंने दोबारा धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया, 15 फुट तक कब्जा कर लिया इन्होंने। इनका कहना है मैंने कॉर्नर प्लॉट के पैसे दे रखे हैं। अब हम हुड्डा से जवाब देते हैं, अगर कोई कॉर्नर प्लॉट के पैसे देता है तो क्या वो 15-15 फुट कब्जा कर सकता है क्या? 2 फुट का या फिर हुड्डा ये कह दे भाई ये हमारी परमिशन से हो रहा है। मैं हुड्डा के डिपार्टमेंट में हुड्डा के स्टेट ऑफिसर से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या कॉर्नर के प्लॉट के पैसे देने वाला बंदा 15 फुट तक कब्जा कर सकता है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और सर ये कहते हैं मैंने कॉर्नर के नाम के ना 18 लाख रुपए फालतू दे रखे हैं, ठीक है, मगर ये टोटल हुड्डा का जो ड्रॉ निकला था उसका ये टोटल प्लाट ही 18 लाख का था, उसका 10% यानी कि 1,80,000 दे रखा है। ये पार्क फेसिंग है, इन्होंने भी 10% दे रखा है, सर को दिखाइए। इस हिसाब से ये वहां पे ये भी कमरे बना लेंगे, पूरा रोड बंद कर देंगे ये तो, ठीक है ना। तो ये SDO अपनी पावर का नजायज फायदा उठा रहे, बिल्कुल नजायज फायदा। हाँ इससे अच्छा तो ये रोड ही कवर कर ले, यहाँ पे भी घर बना ले, हम कुछ नहीं कहेंगे इसको, स्यापा ही खत्म, ठीक है ना जी। हाँ एक बंदे की नहीं पूरे सेक्टर की है, जिसने भी उस साइड जाना है बैक साइड में तो यही एक रास्ता है, और इस रास्ते में एक गाड़ी निकलनी मुश्किल हो जाएगी, किसी से टकरा गई पलट गई बच्चे कोई चोट लगी हो तो जिम्मेवारी किसकी है? कितने लोग परेशान है, पुराना सेक्टर आप उधर कैमरा करके दिखाइए, पूरा पुराना सेक्टर भी परेशान है, क्योंकि अगर उनको नई तरफ जाना है। सर एक आवाज में इतने बंदे इकट्ठे हो गए, अभी पुराने सेक्टर के आएंगे यहाँ पे हजारों बंदे इकट्ठे हो जाएंगे अभी, मगर इनको कोई परवाह नहीं है। राजीनामे में इन्होंने लिखित में दिया, इनके और इनके बेटे ने भी, यहाँ पर हम इतने तक बनाएंगे, PCRI बकायदा पूरा समझौता करा के गए, हमने वहाँ का डेयरी नंबर भी ले रखे है अनाज मंडी वाले थाने का, वहाँ का डेयरी नंबर भी हमारा, मगर इनको कोई परवाह नहीं है जी, क्योंकि SDO है, कुछ मर्जी कर सकता है, सरकारी पावर है इसके पास, अपना पर्सनल सर पर्सनल रेन वाटर सीवर बना दिया पर्सनल। आप पर्सनल एक खड्डा खोदो बिना फीस के, आप हुड्डा को दिए आपको पकड़ के ले जाएंगे,
कई दिन तक आपकी जमानत भी नहीं होगी बिना परमिशन के, बिना आपने पर्ची कटवाई। रोड कैसे खोद दी, ये देखो हालत देखो आप रोड की सर, ये ब्रेकर बना दिए इन्होंने रोड का, जैसे इनकी पर्सनल जगह है ये प्लाट लेके, हमारे इनसे बड़े बड़े प्लाट है, हमने तो कुछ नहीं किया भैया, हम तो अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना। भी मान लो इतने में इनको इतनी वो है भी, ये देखो ब्रेकर बना दिया, पूरा रोड कवर कर लिया जी इन्होंने जी। हाँ, अब यही है, प्रशासन से ये अपील है, इनका ये तुड़वाया जाए, हुड्डा से भी अपील है, ठीक है, और इसका सही तरीके से काम कराया जाए। इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है हमको, बहुत हैरेस कर रखा है इन्होंने हमको, ठीक है जी। बाकी और बिल्कुल ये चीज मैं भी आपको एक बार दिखा देना चाहूंगा, जो यहाँ पर ब्लॉक यूज किए गए हैं, ब्लॉक आप लोग देख सकते हैं, जो सरकारी ब्लॉक यहाँ पर इस वक्त यूज किए हैं, अगर यही ब्लॉक कोई आम इंसान अपने घर पर ले जाए या फिर घर छोड़िए यहाँ से उठाकर अपने बाइक पर भी रख ले तो क्या पता उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है पूरा रोड का जो मैं 40-50% कहूंगा जो ब्लॉक कर दिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। और जैसा कि यहाँ पर सेक्टर निवासियों के द्वारा कहना है कि जो आज से कुछ समय पहले लगभग महीने के पहले जो है यहाँ पर पहले भी हंगामा हुआ था, हाथापाई करने को उतारू जो मकान मालिक है वो हो गए थे, उसके बाद पुलिस आती है, डायरी नंबर FIR दर्ज करवाने जब ये लोग जाते हैं तो वहां पर इन्होंने डायरी नंबर भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ राजीनामा होता है। और राजीनामे में कहा जाता है हम लोग सिर्फ 2 फुट ज्यादा जो यहाँ से जगह लेंगे, लेकिन वो 2 फुट कितना चौड़ा है कितना लंबा है वो लोग आप खुद देख सकते हैं, क्या इतना 2 फुट होता है। और दूसरी बात, उसके बाद जब आगे की बात आई हुड्डा सेक्टर की, तो उसके अंदर साफ तौर पर कह दिया जाता है हमने कॉर्नर प्लॉट लेने के चक्कर में इतने लाख रुपए फालतू लगाए हैं। और अभी भी लोग जो है लगातार इकट्ठा ही होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मेरे पीछे भी एक भीड़ देख पा रहे होंगे, जो सभी सेक्टर वासी है फिलहाल यहाँ पर अपने घरों से निकलकर बाहर आ चुके हैं। देखिए मैं आपको गैप एक बार दिखाना चाहूंगा, रोड के बीच में गैप कितना रह गया कि भी एक गाड़ी बड़े मुश्किल से जो है यहाँ से क्रॉस कर पाएगी, ये चीज आप लोग देख पा रहे हैं जो लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। सेक्टर 14 से जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक रोड है, जो मेन रोड यहाँ पर है, सिंगल रोड, इसके अलावा कोई और रोड नहीं यहाँ पर। और बाकी लोग द्वारा इनसे ही बातें जी सर, तो यहाँ पर गाड़ी लगेगी, कोई भी गाड़ी जाएगी या यहाँ लगेगी, निकल ही नहीं सकती गाड़ी, मतलब हमने तो आप पर कृपा की हुई है कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है, बोला मेरा राइट तो इसको सीधा लेने का है, यहाँ पे बम्पर टूटा है मेरा, मेरे खुद की गाड़ी का बम्पर टूटा है, यहाँ पे नीचे से क्रैक हो गया, क्योंकि ये या तो इस पे चढ़ेगा या इधर इन्होंने लगा दिया, क्या करे आदमी कहाँ से जाए। बिल्कुल सिर्फ स्कूटी का है और कुछ नहीं रहा, ये गाड़ी नहीं जा सकती यहाँ से। मैं भी ये चीज कहूंगा, अगर यहाँ से दो स्कूटियां अगर एक साथ निकले तो शायद वो भी आपस में कहीं ना कहीं कोलैब हो जाए। कोई भी खाने पीने का सामान लेना हो, कोई भी सामान लेना हो, पीछे जाना पड़ता है, कहाँ से जाए आदमी। इसके अलावा यहाँ लंबा तक दूर तक कोई रोड नहीं है कट, आपको पीछे इनकम टैक्स ऑफिस जाना हो, कोई कट नहीं है। यहाँ पे एक प्लॉट कटवा दो, एक प्लॉट और जाएगा उधर के पास, वहाँ की हो जाएगी, ये सेक्टर अलग हो गया, वो सेक्टर अलग हो गया, ऐसे करवा दो, आने जाने का रास्ता बंद करवा दो, पूरा का पूरा दीवार खींच देगा अगला, खींच रखी है यहाँ पे, इतना बड़ा ये आने जाने में रास्ता। और कल वो बच्चे की वैन बेचारी बच गई, सारे पलट जाते तो क्या हो जाता, पूरा पूरा का एक प्लॉट कटवा दे, इनको भी फायदा हो जाएगा और नहीं फायदा हो जाएगा। जंगल जी आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की समस्या आपको देखने को, समस्या क्लियर दिखी रही है लेकिन आपके नजर में आप किस तरह से, ये सामाजिक भी गलत है और धक्केशाही है, ये कोई रास्ता नहीं है, ये ऐसे नहीं कर सकते। बहस करिए बेटे से आज, आपको क्या दिक्कत है, मैं करूंगा, मेरी जमीन है, बिल्कुल सर जी, जो ये लास्ट में आके थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है, कहता मैंने एहसान करा है तुम्हारे ऊपर, मैं इसको सीधा लूंगा, ये थोड़ा सा लास्ट में टेढ़ा करके हमारे ऊपर एहसान किया। मैंने इसे कहा, मैंने इसको हुड्डा का प्लान नक्शा दिखाया, तो मैंने कहा ये रोड ओपन है यहाँ से आके, बोला ये तो नक्शे ऐसे ही बनते रहते हैं, इनके हिसाब से हुड्डा के नक्शे की भी कोई कदर नहीं है, ये अपना नक्शा खुद बनाएंगे, क्योंकि ये SDO है, ये अपना खुद का नक्शा बना सकते हैं, हम कॉमन आदमी है, हम अपना नक्शा नहीं बना सकते, हम अपनी जगह भी इसको दे दे। बोला हुड्डा का तो बेवकूफ है, उसको नक्शा बनाना ही नहीं आता, ये जगह मेरी है। हाँ तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जैसे पीछे मकान तो पीछे भी है, उन्होंने कॉर्नर जैसे सारा 2-3 फुट ही ले रखा है और उन्होंने कितना घेर लिया, अगर वो घेर लिया बिल्कुल रास्ता ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है अपनी पावर का एक गलत इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि सरकारी ब्लॉक यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी ब्लॉक अगर कोई आम व्यक्ति अपने घर एक भी ले जाए तो उस पर रातों रात मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ मुकदमे ही नहीं अगले दिन गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। लेकिन क्या यहाँ पर उसी प्रशासन को ये चीज नजर नहीं आ रही, यहाँ पर एक नहीं बल्कि मैं कहूंगा सैकड़ों जो ब्लॉक यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, उसी के बावजूद हुड्डा सेक्टर के अंदर खुद का मेन होल खुदवाया गया, आपका क्या मानना है? तरीके से जो है आप पूरी इस घटना को देखते हैं, इस कब्जे को देखते हैं, क्योंकि मैं इसे कब्जा ही नाम देने वाला हूं, क्योंकि आदेश ज्यादा रोड इस जगह ने यहां से ब्लॉक किया हुआ है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और देखते हैं यार सैनिक सर।